माननीय सभासद माननीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11 अगस्त इतिहास की भी एक महत्वपूर्ण तवारीख से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन 18 साल की छोटी उम्र वाले खुदराम बोस को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था। देश की आजादी के लिए संघर्ष कैसा हुआ, बलिदान कितने हुए और उसके परिप्रेक्ष्य में हम सबका दायित्व कितना बड़ा है, इसका यह घटना स्मरण कराती है। हम सबका इस बात की ओर ध्यान जरूर जाएगा कि आदरणीय श्री वेंकैया जी नायडू देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। श्रीमान वेंकैया जी ये ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बने हैं, मैं समझता हूं शायद वो अकेले ऐसे हैं जो इतने सालों तक इसी परिसर में, इन्हीं सबके बीच में पले हैं, बड़े हैं। शायद ही देश को पहले ऐसे उपराष्ट्रपति मिले हैं जो इस सदन की हर बारीकी से परिचित हैं, सदस्यों से लेकर के समितियों से, समितियों से लेकर के सदन तक की कार्यवाही से, स्वयं उस प्रक्रिया से निकले हुए ये पहले उपराष्ट्रपति देश को प्राप्त हो रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में जेपी आंदोलन की वो पैदाइश है। विद्यार्थी काल में जयप्रकाश नारायण के आवाहन को लेकर के, सुचिता को लेकर के, सुशासन के लिए जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, आंध्र प्रदेश में एक विद्यार्थी नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को उसमें झोंक दिया था। और तब से लेकर के विधानसभा हो या राज्यसभा हो, उन्होंने अपने व्यक्तित्व का भी विकास किया और कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया और आज उसकी बदौलत हम सब ने उनको पसंद किया और इस पद के लिए एक गौरवपूर्ण जिम्मेवारी उनको दी। वेंकैया जी किसान के बेटे हैं, कई वर्षों तक उनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, इन विषयों पर वो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हुए हर समय अपने इनपुट देते रहे हैं। कैबिनेट में भी वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन मुझे ऐसा हमेशा लगता था कैबिनेट के अंदर चर्चाओं में वो जितना समय अर्बन विषयों पर कैबिनेट में बात करते थे उससे ज्यादा रुचि से वो रूरल और किसान के विषयों पर बात करते थे।
ये उनके डियर टू हार्ट, ये उनका रहा और शायद उनके बचपन का, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड का कारण है। वेंकैया जी उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हैं तब पूरी दुनिया को इस बात पर हमें परिचित करवाना होगा, और मैं मानता हूं हम सबका ये दायित्व है, राजनीतिक दीवारों से परे भी ये दायित्व है। और वो दायित्व ये है कि भारत का लोकतंत्र कितना मैच्योर है, भारत के संविधान की बारीकियों की कितनी बड़ी ताकत है। हमारे उन महापुरुषों ने जो संविधान दिया, उस संविधान का सामर्थ्य क्या है कि आज हिंदुस्तान के संविधान पदों पर वो लोग बैठे हैं जिनकी पार्श्वभूमि गरीब की है, गांव की है, सामान्य परिवार से है, वो किसी रहीसी खानदान से नहीं आए। पहली बार देश के सभी सर्वोच्च पदों पर इस पार्श्वभूमि के व्यक्तियों का होना, ये अपने आप में भारत के संविधान की गरिमा और भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है, और जिसका गर्व हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का गर्व है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत दी है, उन पूर्वजों का सम्मान इस घटना के साथ मैं देख रहा हूं। मैं फिर से एक बार उन संविधान निर्माताओं का भी नमन करना चाहूंगा। वेंकैया जी उनका व्यक्तित्व भी है, कर्तृत्व भी है और वक्तृत्व भी है, इन सब के वो धनी है। और उनकी तुकबंदी तो बड़ी भरी भांति परिचित है, और कभी कभी वो जब भाषण करते हैं तो, और वो भी अगर जब तेलुगु में करते हैं तो ऐसा लगता है कि सुपर फास्ट चला रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये तब संभव होता है जब विचारों के अंदर स्पष्टता हो, ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो। वो शब्दों का खेल नहीं होता है। जो वक्तृत्व की दुनिया से जुड़े हैं उनको पता है शब्दों के खेल किसी के मन मंदिर को नहीं छू सकते, लेकिन श्रद्धा भाव से पनपी हुई विचारधारा के आधार पर अपने कन्विक्शन और विजन के साथ चीजें निकलती हैं तो जन हृदय को अपने आप स्पर्श कर देती हैं, और वो वेंकैया के जीवन में देखा गया, पाया गया। ये भी सही है, ग्रामीण विकास के अंदर आज कोई भी ऐसा सांसद नहीं है जो एक विषय पर सरकार से बार बार आग्रह न करता हो। चाहे सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की हो, चाहे वो सरकार मेरे नेतृत्व की हो, सांसदों के एक मांग लगातार रहती है, और वो अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए कार्य के लिए। हम सभी सांसदों के लिए गर्व की बात है, देश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना, उसकी योजना, ये तोहफा अगर किसी ने दिया तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जी ने दिया, आदरणीय वेंकैया जी ने दिया। जो आज, और ये चीजें तब निकलती हैं कि गांव के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति, दलित पीड़ित शोषित के प्रति अपरत्व होता है, उनको कठिनाइयों से बाहर निकालने का संकल्प होता है, तब ये होता है। आज जब उपराष्ट्रपति पद के रूप में वेंकैया जी हमारे बीच में है, इस सदन में हम सबके कठिनाई रहेगी कुछ पल, क्योंकि 12 में से कोई वकील अगर जज बन जाता है तो, और शुरू शुरू में उस कोर्ट में उसके साथी नीचे बार के मेंबर जब बात करते हैं तो जरा अटपटा लगता है कि कल तक तो मेरे साथ खड़ा रहता था, मेरे साथ बहस करता था, और आज यहाँ मैं उसको कैसे। तो कुछ पल हम सबके लिए भी, खास करके इस सदन के सदस्यों के लिए जिन्होंने इतने साल उनके साथ एक दोस्ताना रूप में काम किया है, और जब इस पद पर बैठे हैं तो हमने भी, और हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि व्यवस्था के अनुकूल
हम अपने कार्यशैली को भी बनाते हैं और मुझे विश्वास है कि भले ही हमारे बीच से इतना लंबा समय तक राज्यसभा के सदस्य रह करके हर बारीकी से निकले हुए एक पके पकाए व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद और इस सभागृह के सभापति के रूप में जब हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हमें दिशा देंगे, इसकी गरिमा को और ऊपर उठाने में उनका योगदान होगा, मैं मुझे पूरा विश्वास है एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत में देख रहा हूं और वो अच्छे के लिए होंगे, अच्छाई के लिए होंगे। और आज जब वेंकैया जी इस गरिमापूर्ण पद को ग्रहण कर रहे हैं, तब मैं उसी बात को स्मरण करना चाहूंगा, अमल करो ऐसा अमन में, अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरे उधर से तुम्हें सलाम आए। और उसी को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा, अमल करो ऐसा सदन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरे उधर से तुम्हें सलाम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।